महू छावनी परिषद द्वारा शहर में स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर वार्ड पार्षद श्रीमती रचना विजय वर्गी ने हाट मैदान रोड पर लगी पानी की टंकी को छावनी परिषद की मदद से हटवाई गई, किंतु यहां पर हंगामा देख थाना प्रभारी दिलीप कुमार पूरी बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। बहुत देर तक हंगामा देख सभी को समझाइश दी गई। हालांकि बाद में हंगामा करने वाला उसका परिवार पानी की टंकी को हटाने के लिए विरोध करता रहा। हालांकि हंगामा करने वालों का आरोप है कि यहां पर किराना व्यापारी द्वारा अपने स्वार्थ के लिए वार्ड पार्षद से मिलकर पानी की टंकी को हटवाया जा रहा है। उन्होंने भी आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर एक व्यापारी को लाभ दिया जाएगा, जबकि वार्ड पार्षद श्रीमती रचना विजयवर्गीय का कहना है कि यह महत्वपूर्ण चौराहा है और यहां से चार रास्ते फटते हैं, लेकिन रहवासियों की सुविधा के लिए पानी की टंकी हटवाई जा रही है, मगर किसी को पानी की परेशानी होने नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। पार्षद श्रीमती विजयवर्गीय ने आरोप लगाते हुए कहा कि पानी की टंकी हटवाने के लिए सिर्फ एक ही परिवार द्वारा विरोध किया जा रहा है और उन लोगों की यहां पर दादागिरी चलती है, वह वसूली चलती है, मैजिक वाहनों की वसूली की जाती है और यहां पर इसी टंकी से मैजिक वाहन तक धुलवाई जाती है, जिससे 100-100 रुपए प्रति मैजिक से धुलवाई चार्ज वसूला जाता है, जबकि ये सरकारी पानी की टंकी है। इतना ही नहीं, यहां जो ग्राउंड खाली पड़ा है उस पर शनिवार के दिन साप्ताहिक हाट में दुकानें लगवाई जाती है और शाम होते ही 100-100 रुपए की हफ्ता वसूली करते हैं। मकाई समाचार के साथ संदीप मौर्य की रिपोर्ट। जाती है इस टंकी से, जिसकी 100-100 रुपए ये एक एक मैजिक की धुलवाई का चार्ज लेते हैं सरकारी टंकी से। यहाँ जो ग्राउंड खाली पड़ा है यहाँ पर ये दुकानें लगवाते हैं, जिनसे शाम को 100 रुपए हफ्ता वसूली के हिसाब से लेते हैं। हाट मैदान के यहाँ पर शनिवार को जो दुकानें लगती है, जो इस एरिया में दुकान लगाते हैं, उन दुकानदारों से बेचारे जो बाहर से बहुत दूर दूर से यहाँ बिजनेस करने आते हैं, उनसे भी ये शाम को डरा डमका के हफ्ता वसूली करते हैं, आने जाने वालों को परेशान करते हैं। और उन्होंने खुद ने, आप अगर देखेंगे, आप उनको नपवा लीजिए, कैंड बोर्ड उसके जगह को नपवा ले, उन्होंने अपनी सारी दुकानें किराए से दे रखी है और बाकी की दुकानें भी हैं। बल्कि रहवासियों ने मुझे ये कहा है कि आप मैडम इस चौराहे का डेवलपमेंट करवाइए, जहां सहयोग बनेगा हम आपका सहयोग करेंगे। देवरगी वार्ड पार्षद, वार्ड क्रमांक 4।